ऐसा लग रहा है जैसे किसी गार्डन में आ गए। नहीं देखे देखे निकल रहा है तो मैंने कलर और नहीं है पिंक ना, अब मैं थक गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार आज का दिन, आज के दिन मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन मेरी बेगम ने हड़ताल कर दी है ना। हाँ हड़ताल कर दी। क्यों करी आप खुद बताएं भाई। भाई हड़ताल इन्होंने इसलिए कर दी कि रमज़ान आने वाले हैं। आप लोगों को पता है अगले महीने, अगला महीना ही है रमज़ान का, 23-24 मार्च, तो एक महीना कम उबेश रह गया। तो रमज़ान के महीना शुरू होने से पहले बेगम ने मेरी कब से ये कहा हुआ है कि कुछ चीज़ें घर के लिए लेनी हैं जिनको ज़रूरत इन लोगों की है। तो मुझे नहीं मालूम वो किचन की और थोड़ी सी घर के हवाले से चीजें थी कुछ। स्पेशली तैयारी होती है रमजान की। हाँ ये हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि वालिद के जो मेरी सास हैं, मेरी अम्मी, उनका भी यही है कि हम जो हमारी यूज की चीजें होती है ना, हम किसी जो साफ सुथरी हो जो यूज कर ले। इन शॉर्ट रमजान के रमजान जो है वो चेंज करते हैं जो ऐसी चीजें हैं। तो बहरहाल इनका ये हड़ताल पे चली गई, तो अब जाहिर सी बात है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन खैर ये एक मजाक की बात है, घर की जरूरत थी, टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ये कहा कि भाई आप दोपहर हो गई है अब छोड़ो बाद में चलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं कल पे फिलटल अब आज चलो। तो मैंने अपना कर दिया सिस्टम ऑफ, और मैं अपना सिस्टम ऑफ करने लगा हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो मेरा था इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने कहा चलो जब जा रहा हूँ तो मैं तो व्लॉग तो कोई बनाना ही है, क्योंकि आज थोड़ी सी मसरूफियात ज़्यादा थी। तो काम के अंदर जो है ना मेरी थोड़ी सी मसरूफियात ज़्यादा थी, तो मैंने अपने मेरा फिर जो है ना वो अकाउंट, मार्केट भी मेरी बंद हो गई। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं। तो कहाँ जाएंगे ये तो फिर वहाँ जाकर दिखाऊंगा, कुछ अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे एक आइडिया है कि वहाँ हो सकता है, मैंने कहा चलो वहाँ जाके देखेंगे। तो कभी सोचा था मैंने, तो आज हो सकता है कि मैं वहां चला जाऊं, बाहर निकलूंगा। तो आज मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, ठीक है, आज हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, आज हम बाइक पे जाएंगे, क्योंकि आज बच्चों को भी नहीं लेके जा रहा हूं मैं, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, तो आज मैं बाइक पे जाऊंगा। तो चलें चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने यार सेंट्रल मॉल चलते हैं। ये नहीं बताना, सेंट्रल मॉल चलते हैं, सेंट्रल मॉल। वहां जो है ना मैंने देखा है कि कुछ चीजें हैं जो कम खर्च वाला नशीन वाली हैं, जो बस एवरेज होती हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं लेनी है, मतलब बस रमजान के लिए गुजारा करना है। होलसेल भी है, देखेंगे वो तो वहां जाके दिखाएंगे। तो चलें फिर चलते हैं वक्त को जाया किए बगैर, और कम बात करते हैं ताकि जल्द से ज्यादा से ज्यादा कवर करें। तो चलें, मैंने कर दिया अपना सिस्टम ऑफ और बस भागे। तो भाई मैं आ गया इस सेंट्रल मॉल, मैंने आपको बताया था बेगम मेरी पीछे है, सेंट्रल मॉल में आया हूँ और ये उसका कुछ है। और मैंने अभी पूछा यहाँ पर होलसेल क्रॉकरी कहाँ मिल रही है, तो होलसेल क्रॉकरी ये बता रहे हैं कि 4th फ्लोर पे। तो मैं इस वक्त आया हूँ 4th फ्लोर पे देखता हूँ। काम के लिए आए थे, वो काम तो एक तरफ हो गया, लेकिन यहाँ पर हुरैन फातिमा और मिजाब की मम्मा को यहाँ पे कुछ बच्चों के कपड़े नजर आए। ये आपका है जी। ये कितने के सूट है भाई? 350 रुपये के, जबरदस्त। अरे वाह। तो हुरैन फातिमा की मम्मा को जो है वो यहाँ पर बच्चों के कपड़े नजर आए, तो वो खड़ी हो गई पूछने के लिए, तो मैंने भी पूछ लिया। यार ये एक फ़ायदा है यहाँ पर, जो चीज़ें हमें ऑनलाइन मिल रही होती हैं ना, जो महंगी महंगी, वहाँ यहाँ पर यही लोग जो हैं वो दराज पे और इधर उधर जो ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, यहाँ ये चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें, ये 500-500 रुपये के दराज पे मिल रहे होते हैं, यहाँ पे 100 रुपये, 130 रुपये में बेच रहे हैं। ये यार ये लाइट, ये मैंने पूछी थी, बल्कि पूछी क्या थी, मैंने दराज पे देखी थी ऑनलाइन, तो ये यहाँ पे 130 रुपीस की दे रहे हैं। ये पोर्टेबल है और ये सेल से चलती है, हाँ इस माइक्रो सेल से चल रही है भाई, ये ज़बरदस्त किस्म की लाइट है, 130 रुपये की दे रहे हैं। ये चीज़ है यहाँ पर, ये स्ट्रॉ है, ये यहाँ पर भाई ये देखें, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर, ये ऑयल जग है ना, ये भी ऑयल जग है, ये 1-1 लीटर के हैं। ये दराज में कितने के मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, लेकिन ये 300-300 रुपये के हैं, ये 300 रुपये का। ये कितने का ये वाला जग? 230। ये भी 220। ये भी 1 लीटर है, आधा लीटर होगा, ये भी लीटर है। तो ये कंटेनर, ये छोटा है। यहाँ पर सारी चीज़ें होलसेल के हिसाब से हैं भाई, मैं तो कीमतें सुन के हैरान हो गया हूँ। इस महंगाई के दौर में भी ये चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, काफ़ी हैरत की बात है मेरे लिए। ये टेप था, ये था।
ये भी एक प्लास्टिक है क्या, प्लास्टिक बैग उसमें है, प्लास्टिक बैग इसके अंदर रखते हैं और यहाँ से खींचते हैं। बैरल भाई पता नहीं क्या है ये, अच्छा होगा चलें यहाँ से तो यही बस, यहाँ से तो यही है, फिर काम की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, मॉल की यहाँ की खासियत यही है भाई कि यहाँ पर होलसेल की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी उसमें मिल जाती हैं। सच सच में यहाँ पर पैसे भी बड़े मुनासिब हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दुकानों पे सेम क्वालिटी की जो है ना वो सेम क्वालिटी की सेम चीज़ होती है, लेकिन उस पर 100 रुपये 50 रुपये का फ़र्क है। यहाँ पर ये है देखें, ये बहरहाल ये चॉपर भाई ने बताया, ज़रा खुल के दिखाइएगा ये चॉपर यहाँ पर। नहीं नहीं आप ये चॉपर ज़रा खुल के दिखाएं, यहाँ मैंने बताया था ना मुख्तलिफ़ दुकानों पर मुख्तलिफ़ रेट हैं, चीज़ वही है। तो यहाँ पर ये दे रहे हैं 270 रुपये का, ये चॉपर है, ज़बरदस्त है ये तो। ये हमने लिया है, ये ले लिया ना बस, ठीक है। ये इतनी प्यारी चीज़ भाई ने दिखाई है ना, ये ह्यूमिडिफायर है और ये गाड़ी के लिए जो है ना ये बड़ा बेहतरीन है। इसमें कोई भी परफ्यूम फ्रेगरेंस इसमें जो है ना वो लेके डालूंगा मैं ये ले रहा हूँ। ये इतनी मुनासिब पैसों में दे रहा है ये बंदा 450 रुपये का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यार ये कुछ कम करूँ मैं। बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त दुकान है यार, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पर। ये निकलवाया तो मैंने कलर और नहीं है, पिंक के अलावा नहीं है, अरे अरे ये तो लेडीज़ कलर है। चले चले ये इसमें, लेकिन कुछ पैसे वैसे कुछ आते जाएं देखते जाएं और लेते जाएं। आपके भाई ने ये ख़रीद लिया, वही भी मेरा एक हाथ खाली नहीं है। ये देखिए ये मैंने वही लिया ह्यूमिडिफायर कार का, और उसके साथ जो है ना ये फ्रेगरेंस ले ली इसके साथ, ये बखूर देखते हैं। पढ़ता हूँ नमाज, शैतानी चरखा एक तरफ, बाज़ार घूमना भी एक शैतानी चरखा है। मैं पढ़ता हूँ नमाज और उसके बाद जो है ना फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं असर की नमाज़ का टाइम गुजरे जा रहा था, मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ मैं जल्दी से, बस जैसे ही फजर असर की नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ हूँ ना मैं, तो बस मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया। तो बस मैंने सोचा कि मैं मगरिब जो है वो कहीं थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँ, अज़ान होने वाली है, अज़ान होने के बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँगा मगरिब की, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, बाकी रह जाएगी ईशा। तो ईशा में वैसे ही बंद होने वाला होता है, तो ईशा भी इंशाल्लाह ताला यहीं से पढ़ते निकलूँगा मैं। तो ईशा में भी डेढ़ दो घंटे रह जाएंगे, और मेरा यह ख्याल है कि मैं यहीं 2 घंटे रहूँगा, तो ईशा भी फिर बाजमात पढ़ लूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर करे, बस नमाज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, सुकून रहेगा, बाकी बस शैतानी चलते हैं। तो चलें बस ईशा की नमाज़, मगरिब की नमाज़ का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करूँगा अपनी शॉप। हाँ जी, तो मैंने नमाज़ अदा करी और दुनिया की सारी लज्जत एक तरफ, लेकिन नमाज़ की लज्जत एक तरफ, जो नमाज़ पढ़ने के बाद जो रूहानी सुकून मिलता है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल देखने वालों को मैं यही बोलूँगा यार, नमाज़ पाबंदी से अदा किया करें। तो बहरहाल चले अब हम चलते हैं अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करते हैं। एक ऐसी दुकान में दाखिल हुआ हूँ जहाँ पर मैं पहले भी परचेजिंग कर चुका हूँ, और यहाँ पर बता रहे हैं कि बताते हैं खैर, इससे पहले भी यूट्यूबर जो है वो आते रहते हैं, और यहाँ पर मैं भी सेकेंड टाइम आया हूँ। कुछ ऑर्डर था जो रह गया था वो लेना था यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो वॉल क्लॉक्स हैं। और मज़े की बात यह है कि ये भी हमने बनवाया था, ये आइटम ये ऑर्डर पे सारे बन जाते हैं ना, ये ऑर्डर पे बन जाते हैं। जैसे ये किसी को गिफ्ट करना है ना, ये ज़बरदस्त किस्म का ये, और ये देखें ये ज़बरदस्त। और वॉचेस जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, इनसे पैसे पूछते हैं वॉच के यार, वॉल क्लॉक हैं, ये भी अच्छी लग रही है। लेकिन ये कौन सी वाली के पूछते हैं, ये यहाँ पर वॉचेस भी हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की। अच्छा यार, ये पहले जब मैं आया था तो मैंने ब्रेसलेट देखा था, कोई ब्रेसलेट थे यहाँ इस दीवार पर हैंग, तब तो काफ़ी चेंज हो गया है, वो ख़त्म हो गए हैं वो ब्रेसलेट। मैं लास्ट टाइम सोचा था कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं लेके जाऊँगा, लेकिन उस टाइम जो है वो नहीं कर पाए थे। गिफ्ट आइटम है ना। अच्छा ये पूरा पियर, ये कितने का है ये पूरा पियर है 1250 रुपये। अच्छा ये लोकल नहीं है, कस्टमाइज होता है। अच्छा ये इस तरह से कस्टमाइज हो जाती है ये। अच्छा, सही। तो ये क्या, अगर कोई आपसे बनवाना चाहे तो किस तरह मतलब इसको बनवा सकते हैं इसमें? अच्छा व्हाट्सएप पे ऑर्डर देते हैं, क्या कीमत वगैरह इसकी हो जाती है इस तरह से? इसका प्यार 1250 का, ये वाली तैयार में आप कह रहे हैं? तैयार में, और ये 550 रुपये। अच्छा ये 550 रुपये में। हाँ ये है ना wow.pk, ये फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, इनका व्हाट्सएप नंबर भी है ना। ये वाउ, ये सेंट्रल मॉल G72 शॉप नंबर है। हाँ ये इनका जो है ना, ये ज़बरदस्त है यार। ये पहले हम 5 आइटम तो हमने पहले भी बनवाए थे ना।
यहाँ पर हम घूम घूम के थक गए, लेकिन हमारी मतलब की चीज़ यहाँ पर नहीं मिली, लेकिन वो थोड़ी सी विंडो शॉपिंग यहाँ पर हो गई। तो यहाँ विंडो शॉपिंग होने के बाद ना फिर हमने ये फैसला करा कि यहाँ जो हमें ग्रॉसरी जो किचन के आइटम लेने थे ना वो हमें नहीं मिले, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं गुल प्लाजा। तो गुल प्लाजा जाने के बाद फिर वहाँ मिलता हूँ मैं। गुल प्लाजा में आया और आने के बाद फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ ना, मेज़नाइन फ्लोर है, मेज़नाइन फ्लोर पे मैं आया और यहाँ पर हम थोड़ा सा घूमे। फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से गिलास हमने देखने थे, तो यार यहाँ पर गिलास थोड़े से कौन सा वाला लिया हमने गिलास, ज़रा दिखाओ मुझे। गुल प्लाजा आने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मुझे कोई मतलब सस्ती चीज़ चाहिए या कुछ है, यहाँ पर वैरायटी होती है, वैरायटी। आप इम्तियाज चले जाएँ, दीगर चले जाएँ, मकसद मेरा यहाँ पर किसी को प्रमोशन करना नहीं है या किसी की प्रमोशन नहीं है, मकसद यहाँ पर एक बस अपनी डेली ब्लॉगिंग है मेरी और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाद लोगों को बात को नहीं, एक आपको थोड़ा सा एतराज़ हो रहा है, तो इसका जवाब मैं इंशाल्लाह ताला मैं दूंगा और जल्द दूंगा। चले तो एक ये आपके भाई ने नाइफ ली और उसके बाद ये गिलास तो ले ही लिए थे, ये दिखाइएगा ज़रा भाई, ये हमने कौन सा कप लिया है, ये कप लिए हैं भाई हमारी बेगम को, ये कप पसंद आ रहे थे तो उन्होंने ले लिए। सीधा रखो, अच्छा चले, ये साफ होंगे तो मेरी बहन ने चेक कर ली है। अच्छा चले बस ठीक है, ठीक है। अब रह गई है बॉटल्स, तो बॉटल भी ढूंढ लेते हैं, आखिरी चीज़ रह गई है बॉटल भी ढूंढते हैं। अभी बोतलें हमें मिली नहीं, बाकी हमने सामान ले लिया है। मेरे मोबाइल की हो रही है बैटरी डाउन और मैं इसका मोबाइल रख रहा हूँ, और उसके मोबाइल रखने के बाद मैं जाके मिलूंगा घर पर, क्योंकि अब यहाँ पे ना हमने अपना इरादा तर्क कर दिया और इरादा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर बाइक बस हमने बाइक करने लगा हूँ स्टार्ट, और उसके बाद मैं जाके घर पर मिलता हूँ, क्योंकि नमाज भी नहीं पड़ी है, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह ताला घर पे मिलता हूँ। मैं घर पे जाके जो है ना इंशाल्लाह ताला फिर थोड़ी सी दो चार बात आपसे करूँगा, उसके बाद ब्लॉग का एंड करूँगा मैं। ए यार बाइक के ऊपर शदीद ट्रैफिक जाम में हम लोग फंस गए यार, बाइक पर थे और बहुत मुश्किल से इस वक्त जो है ना यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने का, ट्रैफिक आगे बढ़ा है, तो देखेंगे कि क्या पोजीशन बनती है भाई। घर आ गए और हमारे बच्चे बहुत देर बाद आए हैं यार घर पे, बच्चे हमारे बहुत खुश हो गए, हाँ बहुत थक गए हैं दो ढाई घंटे की तभी मुसाफत के बाद, रिक्शा फंसने के बाद वहन फातमा लो सामान पकड़ो चले। ये क्या किया है मुंह पे मिजाब, ये क्या कर रहे हो आप मिजाब बताओ, ये हुरैन फातिमा के लिए मिजाब। ओ मिजाब नहीं यार मिजाब, बच्चे जो है ना बिल्कुल पापा ने ये दिया। बच्चे हमारे बिल्कुल बिल्कुल जो है ना पागल हो गए हैं। ओ मिजाब ये क्या हो रहा है ये। दोस्तों रमजान की तैयारी शुरू हो चुकी है हमारी, जो हमेशा हर साल रजब शाबान के महीने में होती है, रजब के महीने में नहीं कर पाए थे, तो शाबान के महीने में थोड़ी बहुत शॉपिंग जो थी ना वो हमने थोड़ी सी लेनी शुरू कर दी। तो बहरहाल अम्मी ने मेरी खाना तैयार करा हुआ था और बहुत मज़े के आलू जो है ना अम्मी ने मेरी बनाए, और ये आज मैंने अपनी फरमाइश पे जो है वो दही बड़े, ये कौन से दही बड़े कहलाते हैं, ये पानी वाले दही बड़े, तो पानी वाले दही बड़े बनाए थे, और आलू जो है ना मेरी पसंद के, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी मिर्च है, लेकिन खाने में जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट है, और नींबू डाल के मैं खाऊंगा, भूख बहुत शदीद लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं खाना इंजॉय करूँगा बिल्कुल तरीके से। तो ये था आज का व्लॉग हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और रैन फातिमा बहुत खुश हो गई हैं, उन्होंने अपना गिफ्ट लिया है, और रैन फातिमा ने अपना गिफ्ट लिया है माशाल्लाह से, इनको जो गिफ्ट दिया है ना मैंने वो दिया है इनको, जो इन्होंने अपना जो टेस्ट क्लियर किया था, मैनीक्योर किट दी है मैंने इनको, बहुत पसंद है। तो बहरहाल वीडियो का एंड करेंगे दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा आप लोग, और कल की जो वीडियो है हो सकता है कि मैं कुछ एक अपने उससे हटके बनाऊं मैं, तो आपको मज़ा आया सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम ने जो है ना ऐसी तैसी कर दी मैं हम दोनों की, क्योंकि भाई बहुत शदीद ट्रैफिक जाम था। तो बहरहाल फिर कल मिलूंगा इंशाल्लाह ताला आपसे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मेरे करिएगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, वीडियोस देखते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, कल मिलूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।